अपनी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन देखते हैं क्या है। आठवें क्वेश्चन में भी आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की है। देखो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ये सिद्ध करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर है ना, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाले भाग में ये वाला जो RHS वाला पार्ट है ना, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई यदि करूँगा तो एक मैट्रिक्स आएगी, वो मैट्रिक्स इसके बराबर आनी चाहिए है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले आपको LHS को सॉल्व करना है। LHS का सॉल्यूशन यदि इसके बराबर आ जाता है तो हो गया प्रश्न सॉल्व। तो अपन देखते हैं कि LHS वाले भाग में क्या लिखा हुआ है। एक तो A ट्रांसपोज है ना, तो ये जो A आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। फिर आपको इसी का A इनवर्स फाइंड करना है और दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो सबसे पहले मैंने इसका A ट्रांसपोज ज्ञात किया, जो A मैट्रिक्स आपको दी हुई थी उसका A ट्रांसपोज करें, क्योंकि LHS के अंदर देखो किसका मल्टीप्लाई पूछा है, A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स। सबसे पहले मैंने A ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो पहली पंक्ति है पहले सम में परिवर्तित हो जाएगी 1 और ये 10 अल्फा, ठीक है। और द्वितीय वाली जो पंक्ति है द्वितीय वाले सम में परिवर्तित हो जाएगी माइनस का 10 अल्फा और ये 1। तो ये तो हो गया A ट्रांसपोज, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं क्या? बोल दिया। अब आपको A इनवर्स वो फाइंड करना है, तो A इनवर्स फाइंड करना है तो A इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि A इनवर्स इज इक्वल टू एट जॉइंट A अपॉन सारणी के A होता है, यही होता था फॉर्मूला। तो सबसे पहले A इनवर्स ज्ञात करने से पहले भी अपन क्या ज्ञात कर लें, एट जॉइंट A ज्ञात कर लें, फिर सारणी A और डिवाइड कर देंगे अपन, तो अपने को किसका A इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले अपन किसको ज्ञात करें, सारणिक A का मान ज्ञात करें है ना। तो सारणिक A को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स आपको दी हुई थी A बराबर, इसकी सारणिक का मान मैं ज्ञात कर लूँ तो सारणिक A बोलो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का 10 अल्फा और यहाँ पे 10 अल्फा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सारणिक A इज इक्वल टू कैलकुलेशन करें भाई 2x2 ऑर्डर की सारणिक है तो 1 × 1 बोलो 1 ही होगा, ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले का आता है, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से तो 10 अल्फा इंटू माइनस का ये 10 अल्फा, तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। चिन्हों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है ना। तो आप बोलो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट को ब्रेक करें अपन तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास आ चुका है सारणिक A का मान, ठीक है। A इनवर्स ज्ञात करेंगे तो अपन सारणिक A भी ज्ञात करना पड़ेगा और एडजॉइंट A भी ज्ञात करना पड़ेगा। सो अपन ने सारणिक A का मान ज्ञात कर लिया, अब आपको ज्ञात क्या करना है, एडजॉइंट A। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए तो एडजॉइंट A अपन डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। बोलो कैसे ज्ञात करेंगे, कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं इन दोनों को अपन क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब इस वाले की जगह इस वाला और ये वाले अवयव की जगह ये वाला अवयव आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है ना, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो द्वितीयक विकर्ण है उसके जो भी अवयव हैं उनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो बोलो एडजॉइंट A बोलो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे वो का वही हो जाएगा, लेकिन द्वितीयक विकर्ण के अवयवों के चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो बोलो माइनस का 10 अल्फा होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे ये प्लस का 10 अल्फा हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया? अब क्या करेंगे अपन, A इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट A में किसका डिवाइड करेंगे अपन, सारणिक एक का A के मान का डिवाइड करेंगे। सो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A कितना है आपके पास, एडजॉइंट A आपके पास ये पूरा है तो ये मैंने लिख दिया 1 यहाँ पे 10 अल्फा यहाँ पे माइनस का 10 अल्फा और ये 1। किसका डिवाइड करना था आपको, डिवाइडेड बाय सारणिक A के मान से, सारणिक A का मान कितना है तो डिवाइड यहाँ पे करूँ या 1 अपॉन करके 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, बात एक ही तो है। बोलो इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया, इसको और अच्छे से लिख लेना आप, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की भाई। ये तो एडजॉइंट A हो गया और ये सारणिक का मान हो गया, ये सारणिक का मान जो बटे में आ रहा था, ठीक है।
सो आपके पास ए इनवर्स भी ज्ञात हो गया, तो ए इनवर्स आपके पास ज्ञात हो गया, तो इसको अपन क्या बोल दें, इक्वेशन नंबर टू। और इक्वेशन नंबर वन आपके पास क्या थी, ए ट्रांसपोज। तो देखो LHS के अंदर क्या हो रहा है, LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ही तो हो रहा है, इसी को तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज कितना था आपके पास, ए ट्रांसपोज आपके पास ये पूरी फॉर्मेट थी, वन यहाँ पे टेन अल्फा, यहाँ पे माइनस का टेन अल्फा, यहाँ पे वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास फिर क्या है, ए इनवर्स है, तो ये ए इनवर्स इक्वेशन टू। तो ये ए इनवर्स कितना लिखा हुआ है, देखो ये पूरा है ए इनवर्स, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, वन, इसको देखो ये मल्टीप्लाई का है तो इसको मैं थोड़ा पीछे लिख दूंगा, है ना, चलेगा, ये टेन अल्फा माइनस का टेन अल्फा और ये कितना है वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और चूंकि इसको मैं इस वाली साइड में लिख दूँ वन अपॉन करके, वन अपॉन वन प्लस ये टेन स्क्वायर अल्फा, तो मल्टीप्लाई करने का वही नियम होता है, ये भी टू बाई टू ऑर्डर की, ये भी टू बाई टू ऑर्डर की है, तो मल्टीप्लाई आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। तो पहले वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले वाले स्तंभ से करेंगे तो वन इंटू वन बोलो वन हो जाएगा, दित्ते वाले एलिमेंट, दित्ते वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा। तो पहले वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले वाले सम से समाप्त हो गया, पहली वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई दित्ते वाले सम से करेंगे तो वन का मल्टीप्लाई माइनस का टेन अल्फा से, तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का टेन अल्फा, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से तो माइनस का टेन अल्फा, ठीक है। अब दित्ते वाली जो पंक्ति है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपन पहले वाले इस सम से, तो टेन अल्फा इंटू वन, तो बोलो यहाँ पर टेन अल्फा हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस का टेन अल्फा, ठीक है। और इसी का मल्टीप्लाई अपन दित्ते वाले सम से भी करेंगे तो बोलो माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का वन, ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई में इधर क्या चल रहा है, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यही तो चल रहा है, इसका कैलकुलेशन और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा अपन, है ना। अच्छा ये मल्टीप्लाई का जो है वन अपॉन वन प्लस टेन, इसको अपन आगे भी लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया अगले स्टेप में वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को थोड़ा आगे लिख दिया, ठीक है, और इसका थोड़ा सॉल्यूशन लिख दिया और अच्छे से, वन माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप, टेन स्क्वायर अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टू टेन अल्फा, टू टेन दिखाई तो दे रहा है सभी को, टू टेन अल्फा चेक कर लेते हैं, सही है, ये टू टेन अल्फा और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का ये टू टेन अल्फा, और इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस वाले को आगे लिख दो, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, वन को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया अपन ने। अब देखो ये जितनी भी टर्म है ये बाहर है मैट्रिक्स के बाहर, इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सभी अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अपन ने मैट्रिक्स में खासियत देखी थी कि कोई भी एलिमेंट यदि मैट्रिक्स के बाहर होता है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एलिमेंट सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, सभी अवयव से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो बोलो इसकी अगली स्टेप क्या होगी, सॉल्यूशन तो इसी का चल रहा था, क्या चल रहा था, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, इसका कैलकुलेशन करते करते अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब अपन क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगली स्टेप में क्या करें, इस वाले एलिमेंट को सभी से मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये वन अपॉन में है तो बोलो ये यहाँ पे कितना जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो बोलो कितना जाएगा, माइनस का टू टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट से तो टू टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये टू बाई टू की मैट्रिक्स होगी। अब इलेवेंथ क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसका भी फॉर्मूला देखा होगा, इसका भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपके पास,
कोस टू अल्फा, क्योंकि कोस टू अल्फा के चार फॉर्मूले पढ़े थे, चौथे नंबर का फॉर्मूला ये था, ध्यान आ रहा है आपको? तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टू अल्फा, ठीक है। और ये माइनस को अपन ने बाहर ही रखा, ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन टू अल्फा के दो फॉर्मूले अपन ने देखे थे 11th क्लास में, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू कोस अल्फा, और साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 plus tan square अल्फा। तो देखो 2 tan अल्फा अपॉन 1 plus tan square अल्फा आ रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो बाहर ही सही, साइन टू अल्फा। और इस पूरे फॉर्मूले को क्या लिख दिया, साइन टू अल्फा, और इसको क्या लिख दिया वापस से अपन ने, कॉस टू अल्फा। अब ये चेक करके बताओ कि जो आपको RHS में दिया हुआ था उसी के बराबर आ रहा है क्या, यस आ रहा है। तो अपन LHS को सोल्व किया अपन ने, और ये वाला RHS वाला पार्ट आ चुका है, तो ये हैंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, इति सिद्धम, ना सिद्ध हो गया, ये आंसर हो गया आपका, नोट कर लेना इस प्रश्न को। कुछ जल्दी से 9th क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इसमें भी आपको सिद्ध क्या करना है, ए बराबर मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको दी हुई है, ये समीकरण आपको दी हुई है और इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। और आपको फाइनली क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है ना, मुद्दे की बात क्या है, ये ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, और आपको एक समीकरण दी हुई है, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करें अपन, चूँकि आपको क्या समीकरण दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 7i इज इक्वल टू माइनस का ये 10i, ठीक है। अब देखो ये भी i है, देखो 10i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स होती है, इसको मैं इधर ले आऊँ और इन सबको मैं उस वाले पक्ष में ले जाऊँ, तो बोलो 10i इस वाले पक्ष में आएगा तो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा 10i, और ये प्लस का 7i, और इस पूरी टर्म को अपन ए स्क्वायर माइनस 6a को उस वाले साइड में लेके जाएंगे, तो बोलो कितना हो जाएगा, 6a भाई माइनस का 6 है तो पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया, तो 10i और 7i, बोलो 17i होगा कि नहीं होगा, 17i इज इक्वल टू 6a माइनस का ए स्क्वायर। आपको ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, सो मैं क्या करूं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ए इनवर्स ये इकाई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ही हो जाएगा, और 17 को अपॉन में कर देंगे अपन, चलो अभी कर देंगे, चलो कर ही दो, तो आई इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 17, और ये 6 है माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ए इनवर्स इधर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही बनेगा, ये चूंकि इकाई मैट्रिक्स है, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 17, ये तो कोई डिजिट है, कोई संख्या है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी तो करेंगे अपन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो ये तो 6 है ही सही, ए तो है ही सही, और ये ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना जाएगा, ए स्क्वायर, और ये ए इनवर्स, बोलो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 17, कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो ये बोलो इसका आउटपुट कितना जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, बोलो क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ये कितना देगा, ए ही देगा, क्या देगा, ए देगा, है ना भाई, आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, तो ये 1 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है घात में। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस पूरे को आपको सोल्व करना है ना, टोटल मिला के बाद ये है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बोलो कैसे सोल्व करेंगे, 1 अपॉन 17 का 1 अपॉन 17, ठीक है। 6i का मतलब क्या है, ये मझला ब्रिकेट लगा दिया मैंने, 6i, आई मतलब इकाई मैट्रिक्स होती है, बोलो कितने बाय कितने ऑर्डर की दी हुई है, यहाँ पे 2 बाय 2 ऑर्डर से ही क्वेश्चन था भाई, शुरुआत में जो मैट्रिक्स दी हुई थी 2 बाय 2 ऑर्डर की थी, तो इकाई मैट्रिक्स भी मैं 2 बाय 2 ऑर्डर की ले लूँ, तो 1 0 0 1 ले लूँ, माइनस का ए कितना दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ है ए, तो लिख दो अपन 2 3 माइनस का 3 4, मैट्रिक्स बंद, और ये मझला ब्रेक नहीं बंद कर दिया अपन ने, कैलकुलेशन करें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 17, कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हैं, तो अब ये देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये कोई एलिमेंट है, कोई
डिजिट है, तो ये डिजिट सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो 6 × 1 6 हो जाएगा, 6 × 0 0 हो जाएगा, 0 और ये यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो बोलो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 6 0 0 6, ये माइनस का माइनस, और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3, माइनस का 3 4, मैट्रिक्स बांध मजला ब्रैकेट क्लोज। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, कैलकुलेशन करें, देखो इसका ऑर्डर कितना है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, और माइनस का साइन आ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन कर दें, व्यवकलन कर दें अपन, तो संगत एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 6 - 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6 - 2, 0 - -3 बोलो, 0 - -3, 0 - -3, 0 - 3, और 6 - 4, 6 - 4, मजला ब्रैकेट बंद। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, बोलो फाइनली कितना आया मैट्रिक्स, ये तो 4, ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, वो फाइनली जाते जाते अपन ने क्या लिख दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 को यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो जब भी आंसर वही आएगा, या नहीं भी करना चाहते हो जब भी आंसर बिल्कुल सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको नोट कर लो अभी आप। हाँ, 10वें नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आपको सिद्ध ही करना है, दो प्रश्न जुड़े हुए हैं इसी के अंदर, और इसके पश्चात आपको क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको जो सिद्ध करना है उसको अपन सिद्ध करें, और उसके बाद में आपको अपन को सेकंड वाले पार्ट में ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन ने देखा क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42i इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना, मतलब इस पूरे का कैलकुलेशन यदि अपन सॉल्व करते हैं तो इसका आउटपुट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर ज्ञात कर लो, है ना, ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, 4 × a कर देंगे, और -42 × i कर देंगे, करते हैं अपन, ए स्क्वायर ज्ञात कर लें यहीं पर, इससे इसका डायरेक्टली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ये माइनस का 8 है, 2 है, 5 है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8 5 2 4, मल्टीप्लाई करो, देखो 2/2 ऑर्डर की ये भी मैट्रिक्स है, और ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो आसानी से गुणनफल संभव हो जाएगा, और गुणनफल संभव हो जाएगा तो गुणा करने का नियम मैंने आपको बताया था, पहली पंक्ति का गुणा पहले वाले हिस्से से करो, 8 × 8 = 64, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, फिर बोलो पॉजिटिव का साइन, 5 × 2 बोलो 10 हो जाएगा, पहली वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले सम से हो गया, पहली वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई द्वितीय वाले सम से करो, 8 × 5 = 40, माइनस का 40, 5 × 20, माइनस का सॉरी प्लस का 20, अब द्वितीय वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले वाले सम से, माइनस का 16, 8 × 16, और ये प्लस का 4 × 8, 2 × 10 हो जाएगा ये, और ये 4 × 16 हो जाएगा, ठीक है, तो बोलो कितना आ रहा है फाइनली, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना है, ये तो 74 हो गया, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 20, और ये कितना हो जाएगा 26, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो देखो ए स्क्वायर डायरेक्टली आ चुका है, इसको आपको इसमें पुट करना है, सिद्ध तो यही करना है ना, सिद्ध करने में LHS को सोल्व करें अपन, और RHS यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा सिद्ध, तो LHS वाला पार्ट क्या बोलता भाई, कि ए स्क्वायर माइनस का 4a सॉरी प्लस का 4a माइनस का 42i इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है, तो LHS को अपन ने ले लिया, अब इसका कैलकुलेशन करनी है, बोलो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर तो अभी अपन ने सोल्व किया है, बोलो कितना है 74 माइनस का 20 माइनस का 8 और ये 26 प्लस 4 और ए कितना लिखा हुआ है, ए आपके पास है माइनस का 8, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ब्रैकेट बंद, 4 × a 4, और ए आ गया यहाँ पे माइनस का 42i, i क्या है, इकाई मैट्रिक्स, देखो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है हर जगह, तो इकाई मैट्रिक्स को भी अपन क्या लेंगे, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही लेंगे अपन, ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए 0 मैट्रिक्स के बराबर,
तो सोल्व करें अपन इसके अगली स्टेप में क्या करोगे, इसको तो ऐसा कैसा लिख दें, इस पूरे का कैलकुलेशन कर देंगे अभी अपन, इस 4 को सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 42 को इससे इससे और इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सभी को क्या कर देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। तो 74 ये माइनस का 20, ये माइनस का 8, 26 और ये कितना जाएगा, माइनस का 32, 5 × 20 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब या तो 42 का मल्टीप्लाई कर दें अपन या माइनस 42 का कर दें, बात एक ही है, तो माइनस 42 का कर दें, जिससे यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस 42 को ही मैं अंदर खिसका दूँ, तो अंदर यदि माइनस 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या बचेगा, प्लस का, और 42 से मल्टीप्लाई किया माइनस 42 से, तो ये माइनस का 42, 0, ये 0 और ये माइनस का 42। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या देखेंगे, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, तो सभी एलिमेंट को क्या कर दूँ मैं, जोड़ दूँ, संगत एलिमेंट है ना, इसके संगत एलिमेंट ये वाला, इसके संगत एलिमेंट ये वाला हो जाएगा। तो बोलो कितना आ रहा है फाइनली, कैलकुलेशन अपन इसकी कर रहे हैं, LHS की कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, ध्यान देना, कैलकुलेशन किसकी चल रही थी, ए स्क्वायर माइनस प्लस का 4 ए माइनस का 42i इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बोलो संगत एलिमेंट 74 और ये कितना जाएगा, माइनस का 32 और ये माइनस का 42, ठीक है, इसके संगत एलिमेंट ये जोड़ेंगे और ये माइनस का 32 और ये माइनस का 42 लिख दिया, ठीक है, माइनस का 20, ये प्लस का 20 और ये 0, तो बोलो कितना जाएगा, माइनस का 20 है, फिर प्लस का 20 है और ये प्लस का 0 है, सभी को समझ में आया। फिर ये माइनस का 8, प्लस का 8, ये प्लस का 0, 26, फिर प्लस का 16, 26 प्लस का 16 और ये कितना है, माइनस का 42, कैलकुलेट करें अपन, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बोलो 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना, और 4 और 3 7 हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है, माइनस का 74 और ये प्लस का 74 है, तो बोलो 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये कितना है 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी बोलो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, एक हासिल इधर 2 3 4, ये भी 42 लिखा हुआ है और ये भी 42 लिखा हुआ है, तो बोलो 0, ठीक है। और यहाँ पे RHS में ये क्या लिखा हुआ है, ये शून्य शून्य क्रम की मैट्रिक्स है, तो ये शून्य क्रम की मैट्रिक्स के बराबर ही तो आ रहा है, तो हो गया सिद्ध, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो पहला वाला जो पार्ट था वो तो अपन ने सोल्व कर लिया, इसको इसके बराबर आपको सिद्ध करना था, इस 0 का मतलब शून्य क्रम की क्या है, मैट्रिक्स है ना, 2x2 ऑर्डर की, तो इसके बराबर ही आ रहा है वो, है ना, तो हो गया एक वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया सोल्व। अब आपको ए इनवर्स और ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स देखो ज्ञात करें अपन, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन, ए इनवर्स ज्ञात करना, आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42i इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। अब 42i को मैं उस वाले पक्ष में ले जाऊं तो पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा, धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा ना, तो इसको मैंने उस वाले पक्ष में लेके गया, तो इस वाले पक्ष में ए स्क्वायर प्लस का 4a इज इक्वल टू 42i हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। या करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 42i इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस का 4a लिख सकते हैं क्या, इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिया, बराबर ही तो हैं दोनों, इससे फ़र्क क्या पड़ा अपने को कि 42 को मैं अपॉन में कर सकता हूँ, है ना, और ए इनवर्स से दोनों पक्षों में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बोलो या करके और क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल टू 1/42 और ये a का स्क्वायर प्लस का 4a, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में सोल्व करवाया था ना, सेम प्रोसेस ऐसे ही है। अब आपको ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ए इनवर्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, है ना, तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इकाई मैट्रिक्स, ये का ये रहेगा ए इनवर्स
और यहाँ पे गुणा करेंगे तो डायरेक्टली देखो सोच के बताओ कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे बैठा हुआ है और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इधर भी आएगा इधर भी आएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पावर वन ही बचेगा क्योंकि ए इनवर्स और ये ए स्क्वायर कैलकुलेशन करोगे तो कितना बचेगा, ए ही बचेगा। और यहाँ पे ए की घात वन है और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, फोर आई बच जाएगा। बात आ रही है सभी बच्चों को समझ में, बस सारी वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करें और अपन इसको मैं रफ कर दूं क्या, चलो इसको रफ कर देते हैं। देखो तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बोलो 1/42 है और ये मझला ब्रैकेट लगा दो, ए कितना दिया हुआ था आपको, ए इज इक्वल टू माइनस का 8524 और फिर प्लस का 4i लिख देना, ये 4 लिख दिया और i चूंकि द्वितीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिख दो 1001 और ये मझला ब्रैकेट बंद कर दो, है ना। कैलकुलेशन करें तो माइनस देखो ये पूरी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की और इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अंदर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो आउटपुट कितना आएगा, 1/42 को तो बाहर रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 8524 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4004 हो जाएगा। अब संगत एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे संगत अवयव, तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 लिख दूं क्या डायरेक्टली, माइनस का 4 चलो लिख दिया, 5+0 5 2+0 2 4+4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है तो फाइनली आपके पास कितना आया आउटपुट, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 ब्रैकेट सॉरी मैट्रिक्स, ये मझला ब्रैकेट अपन ने हटा दिया, माइनस का 4 5 2 8। यदि आप चाहते हो 1/42 को गुणा करना तो ये सभी अवयव से गुणा भी हो जाएगा, है ना, और ये 2x2 क्रम की मैट्रिक्स आ गई आपके पास, तो इसको आप नोट कर लेना, इतना अभी आप नोट करो और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 5.1।